dog brain! तुम एक बेकार स्लग हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें गुनाहों के लिए बार बार सजा देना अच्छा नहीं लगता डॉक्टर ब्लैक, पर क्या तुम हार कर थक नहीं गए हो? बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा दो? बिल्कुल सही समझा। शांत हो जाओ बापी, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या हो रहा है या मैं खुद ही पता कर लूं? उसकी जरूरत नहीं विल्शेन, अभी दिखाता हूँ। क्या वो एक स्लग है? ब्लैक, तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने इसे बनाया है, ये बहुत पावरफुल है, तुम इससे नहीं बच सकते। ऐसी ताकत आखिरकार मैंने कर दिया। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम स्लग से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम पूरे स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, रोको इसे, तुम्हें इसे रोकना ही होगा। ब्लैक, ब्लैक, मेरे बेटे को ढूंढो, इलाज को ढूंढो, उसे वो खत दे देना। जाओ। बोपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने भेजा है, सही कहा ना? बेटा इलाय, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। शेन के परिवार का होने में कई खतरे हैं और ये उनमें से एक है। शेन के परिवार का साबित करने के लिए तुम्हें भी इस खतरे से गुजरना होगा। शेन के परिवार के कई सदस्यों ने स्लग टेरा के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अगर तुम भी अपने आप को साबित करना चाहते हो तो हमारी डील याद रखना। 15 साल का होने के बाद स्लग टेरा की सारी मुसीबतों और कठिनाइयों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जाना आसान है पर वापस आना उतना ही मुश्किल होगा। अगर तुम जा रहे हो तो याद रखो कि तुम तब तक घर वापस नहीं आओगे जब तक तुम सारी चीजें सीख ना लो। मैं जानता हूं कि हमने एक साथ वहां जाने के बारे में सोचा था, पर अब तुम्हें अकेले ही वहां जाना होगा। मैंने तुम्हें स्लग टेरा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, पर उसके अलावा भी कई चीजों से तुम्हारा सामना होगा। तुम जमीन से करीब 100 मील दूर नीचे तक का सफर तय करोगे, जहां अब तक सिर्फ कुछ ही इंसान जा पाए हैं। वहां एक सवारी मिलेगी जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस धीरज रखना। तैयार हो बॉबी?
वाह, स्लग टेरा, वो दुनिया जो जमीन के नीचे बसी है। आखिर मैं यहाँ पहुंच गया। स्लग टेरा पहुंचते ही उससे कुछ ही दूरी पर तुम्हें शेन परिवार का गुप्त स्थान दिखेगा। नए घर में जाने के लिए तैयार हो बॉबी? थोड़ा गंदा है ना? और वहां तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। नए कपड़े पहनने का वक्त हो चुका है बॉबी। वहां तुम्हारा मशीनी जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स पापा, पर मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। ओह, ये बढ़िया है। LKE मॉडल कैसा होगा अगर हम तुम्हें लकी बुलाए? मैं हमेशा से कुछ एक्स्ट्रा ब्लास्टर्स अपने साथ रखता हूँ, पर तुम्हें अपने खुद के स्लग्स ढूंढने होंगे। वही तुम्हारा सबसे जरूरी टास्क होगा। एलाई, स्लग्स यहाँ की हर चीज के ताले की चाबी है। वो गोला बारूद से कम नहीं है। गोली न कुचलाओ। तुम कौन हो? मेरे बारे में पूछ रहे? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मत भूलो, ब्लास्टर मेरे हाथ में है। तुम्हें तो मेरे जितना बहुत ही होशियार हो जी। मेरे को फ्रंटो बोलते हैं जी। हुकुम मेरे आका, मैं एक ट्रैकर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, टैलेंट का भंडारा हूँ ना जी। अच्छा, पापा ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? पापा, तुम तो शेन के परिवार से हो ना। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। देखो क्या है कि असली बात यह है कि मैं आपके पापा से कभी मिला ही नहीं ना। मिला होता तो वो मुझे अपनी टीम में लेने के लिए तड़प रहे होते ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि शेन के परिवार वाले के साथ एक टाइगर का होना बहुत जरूरी होता है ना जी। पापा ने तो कभी एक खोजी को टीम में शामिल करने का जिक्र नहीं किया था। मेरा सुंदर सपना टूट गया ना जी। हो सकता है हम दोबारा मिलें। कभी तुम काली गुफा के वहाँ से गुजरो या उत्तर की तरफ से या आगा में कभी फंस गए तो ठीक है। लगता है एक खोजी शायद मेरे काम आ सकता है। वाह वाह, वैसे तुम्हारा फैसला बुरा नहीं है मेरे हम सफर। मेरा नाम इलाय है। आसान नाम है, आराम से बोला जा सकता है। एक बात कहूँ इलाय, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बढ़िया, क्योंकि अगर हमें बुराई से लड़ना है तो हमारा सबसे पहला काम होगा स्लग्स को पकड़ना। शेन के परिवार से होने के नाते तुम्हारे पास बढ़िया स्लग्स होंगे जी। जरा हमको भी दिखाओ। क्या बात है, तुम तो बहुत बढ़िया हो, पर बाकी की लड़ाई? मेरे पास बस यही एक है, पर पता है बोपी कमाल का है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लग है मियां? तुम्हें युद्ध में कुछ और अनुभवी स्लगों को जीतना होगा, और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे। वो यहाँ का एक छोटा सा मुकाबला है, और तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम किसके इंतजार में हो? हमें स्लग जीतने है ना। वहाँ जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज करनी है। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। अब किस पल का इंतजार कर रहे हैं? उस स्लग को ब्लास्टर से शूट करने का मियां। बिल्कुल तैयार हो बॉबी? एक इन्फर्नो स्लग क्या? ओहो, क्या बात है बॉबी। अम्बोय, प्रॉन्टो जरा बताओगे कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्लरिंग घोस्ट का एक झुंड, वहां देखो बॉबी। क्या तुम्हारे स्लग्स के नाम भी रखे हैं? तुम नहीं रखते? अरे खामोश रहो शरारती कहीं के। वैसे ये भी तो एक नाम है। पता है मैं लोगों की चेहरा पढ़ के उनका भविष्य बना सकता हूँ, और तुम्हारा देखकर लगता है कि यहाँ की बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है जी। वो क्या है कि मैं शेन परिवार के खुफिया गुफाओं में पला बड़ा हूँ। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ओ हाँ, मुझे पता है जी। शेन के परिवार के कई राज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम कहाँ से आए हो। इस दुनिया के बारे में कोई नहीं जान सकता एलाय। दोनों ही तरफ बराबर का खतरा है, और दोनों ही दुनियाओं को तुम्हें अलग अलग रखना होगा। वहाँ क्या हो रहा है प्रॉन्टो? वहाँ को मत देखो और चुपचाप चलो।
लगता है उस बेचारे को हमारी मदद चाहिए। वो क्या है कि शेन के परिवार से ना होने की वजह से उनकी शांति भंग हो गई है ना जी। अब क्या कहते हैं उसे, गवार लोग आ गए हैं ना। पर अब शूरवीर वापस आ गया है। देखो इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शेन के परिवार वाले मुकाबला हर वक्त सोच समझ के करते हैं जी। बस इतना ही दम है? तुम तो बहुत बड़े लूजर निकले। जाओ भागो यहाँ से। वो मेरा शिकार था। उम्मीद है कि तुम शेन के परिवार से होगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो मेरे पापा थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ओह क्या ये सच है? मैं तो सिर्फ शेन के परिवार वालों से डरता हूँ, तुम तो एक बच्चे हो। मैं वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में ब्लास्टर है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? लगता मैं ज्यादा बोल गया। शुक्रिया प्रॉन्टो। ये प्रॉन्टो कौन है? और एक बात बताऊं, ये जगह बिल्कुल ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है, तुम्हें होशियार रहना चाहिए। रुको, तुम कौन हो? अरे तुम यहाँ भी हो, लगता है तुम अभी से काम पर लग गए। इन सबसे दूर रहना। एक विल शैन बनने के लिए सिर्फ एक ब्लास्टर और मोलिनॉइड काफी नहीं है बच्चे। मुझे लगता था शूरवीर बनना सम्मान की बात होगी, पर उसने तो हमारा मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें उसे मुकाबले में हरा कर कमानी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। अगर तुम्हारा ये मुकाबला जीत लिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि शेन के परिवार में से कोई उन्हें बचाने वापस आ गया है। और अगर मैं नहीं जीता तो? तो इस दुनिया में बुराई हमेशा कायम रहेगी और तुम्हें लोग बेवकूफ समझेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इस मुकाबले को बस जीतना ही जी। इलाई जरा देखो तो इसे, ये खुद को शेन के परिवार से समझता है। क्वालिफायर के लिए तुम्हारा मुकाबला आखिर में है, गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। क्वालिफायर? तुम्हारा बस एक छोटा सा द्वंद्व युद्ध करना है, तुम बिल्कुल घबराओ नको। ठीक है ठीक है, पहली बार द्वंद्व युद्ध करने में मजा आने वाला है। क्या क्या तुमने कभी भी द्वंद्व युद्ध नहीं किया है? पर तुम तो शेन के परिवार से हो ना। दरअसल ये एक लंबी कहानी है और मुझे नहीं लगता कि हमें बाकियों के सामने इसके बारे में बोलना चाहिए। नक्को बोलो, बिल्कुल नक्को जी। मैं बस जाकर किसी को ढूंढता हूँ जो तुमसे मुकाबला कर सके जी। एक्सक्यूज मी, तुम बीच में आ रहे हो? ओह तुम तो वही हो ना। एक बार फिर शुक्रिया, तुमने मेरी तुम्हारी जान बचाने के लिए। डरो मत, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इलाय ट्रिक्सी। तुमने कहा तुम शेन के परिवार से हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ स्लग्स जीतने आया हूँ ताकि बुराई से लड़ सकूँ और ऐसा ही कुछ। ये कैमरा किस लिए? इस द्वंद्व युद्ध की फिल्म उतार रही हूँ ताकि तुम्हारे दुश्मनों की तरकीबें जान सकूँ। वो कौन है? जॉन बुल। अगर मुकाबला जीतना है तो तुम्हें उसे हराना ही होगा। अब तक तो मुझे उसकी कोई भी कमजोरी नहीं मिली, वजह इसकी कि वो पूरा जोकर है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? हाँ, बात यह है कि मेरा दोस्त मेरे लिए प्रतिद्वंद्वी ढूंढने गया है, अगर तुम चाहो तो लड़ सकती हो। और अपनी सारी ट्रिक्स तुम्हें सिखा दूं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी फिल्म उतार कर तुमसे ट्रिक सीखूंगी। मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को कोई मिल गया है। मेरे हमसफर इलाय, मिलो कोर्ट सेंस जी। तो क्या ख्याल है जी? लगता है ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तुमने कहा मुझे शेन के परिवार वाले से लड़ना है, पर ये तो एक बच्चा है और तुम तो एक केव ट्रोल हो। जरा सोचने दो, शायद तुम अब मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते। मजाक कर रहे हो, मैं हमेशा से एक केव ट्रोल से मिलना चाहता था। केव ट्रोल से ज्यादा ईमानदार, शरीफ और बहादुर कोई नहीं होता, ऐसा मेरे पापा हमेशा कहते थे। लगता है उन्होंने कभी मोलिनॉइड्स के बारे में नहीं बताया जी। क्या शेन के परिवार वालों ने ये बताया? तो क्या इसका मतलब हम द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं? जिसे चाहे चुन लो। फ्लॉपर्स? हाँ बहुत अच्छे। नहीं जी, बुरे। फ्लॉपर्स किसी काम के नहीं होते। हर स्लग किसी काम का होता है।
तो तुम द्वंद्व युद्ध के बारे में क्या जानते हो? इसमें जानना क्या है, पहले अपने स्लग को चुनो फिर उसे ब्लास्टर में डालो। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूते ही वो ट्रांसफॉर्म होगा। ऐसा तब तक करो जब तक दुश्मन हार न माने। ये सब तो मेरे पापा ने मुझे कई बार बताया है। हाँ, पर सुनने में और लड़ने में बहुत फर्क है। इस कॉम्पिटिशन में तुम जीते तो तुम्हारे विरोधी का एक स्लग तुम्हारा हो जाता है, मतलब अगर तुम एक भी मैच हार गए, यहाँ तक की क्वालिफायर भी, तो मैं बोपी को खो दूंगा। क्या तुम अब भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, है ना? नहीं, द्वंद्व युद्ध। ये ठीक नहीं है, मैं तैयार नहीं था। नहीं तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, द्वंद्व युद्ध। एक तरफ खड़े रहो, इससे तुम्हें मारना मुश्किल होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी की मदद करनी चाहिए? क्या बात है, ये तो अभी से खुद को हीरो मानता है। द्वंद्व युद्ध। इतना बुरा भी नहीं था। हमेशा अपने दुश्मन को निशाना मत बनाओ, कुछ ऐसा करो जिससे वो उलझन में पड़ जाए। तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह? यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, यही है ना जी, वो इलाई सेन जिसको मैं बचपन से जानता था। अब ये अलग बात है कि हम अभी अभी मिले हैं। अच्छी चाल थी। हाँ? और ये देखो मेरा जांबाज फ्लैटुलेंकिस। तुमने अब तक किसी द्वंद्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया? मैंने अपने पापा से वादा किया था, जब तक मैं 15 साल का नहीं हो जाता इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? कल था। मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ इलाय। माना कि तुम में इतना हुनर नहीं है, पर तुम में साहस बहुत है। तो तुम्हें लगता है मैं तैयार हूँ? बिल्कुल हो। शायद। मुझे नहीं लगता जी। फिक्र मत करो, तुम जीत जाओगे। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है जिससे तुम्हारा मुकाबला होगा। अभी अभी जो मैंने तुमसे कहा वो सब एक मजाक था। तुम्हारा मुकाबला तो शॉक वायर से है। अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, बात समझ में आई? वो तुम्हें धूल चटा देगा। चलो भी दोस्तों, वो इतना भी शक्तिशाली नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है बोपी? वो सिर्फ टेजर लिंक्स का इस्तेमाल कर रहा है, और मुझे तो लगता है कि उसे बस यही एक चीज आती है। पर है कमाल का। वैसे मेरे पास भी कुछ कम ट्रिक्स नहीं है। अच्छा? हाँ बिल्कुल, तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो ना? देखो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि। ओ ये क्या, उसका निशाना तो बिल्कुल अचूक है। पता है टेजर लिंक्स बहुत ही बहादुर स्लग्स होते हैं, पर ब्लास्टर ओवरलोड हो जाए तो वो मिस फायर करते हैं। क्या सच में? सब कहते हैं कि तुम शेन के परिवार से हो। सही कहते हैं, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ एक फ्लोरिंग और कुछ फ्लॉपर्स ही काफी नहीं है। हाँ तो तुम पागल हो, बेवकूफ हो, या फिर दोनों हो? कोई और चॉइस नहीं है क्या? शुरू करो। इतनी जल्दी भी क्या है बॉबी, सही वक्त आने दो। चलाओ। पता नहीं वो अपने इन्फर्नस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। इलाय, तुम फ्लॉपर से कभी भी उसे हरा नहीं पाओगे। एक मिनट रुको, मैं समझ गई वो क्या कर रहा है। शॉक के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, बस थोड़ी देर और।
वो इंतजार कर रहा था कि कब एक टेजरलिंग मिस फायर करे। तैयार हो जाओ बॉपी, अभी। रोको इसे, मैं हार गया, तुम जीत गए। हमें विनर मिल गया है। इस मैच का विनर है शेन के परिवार से इलाय। जीत गए। तुम सच में एक विनर हो। शॉकवायर, यहाँ आकर इसे इसका इनाम दो। आता हूँ, लो चुन लो। ओहो, सब के सब अच्छे दिख रहे हैं इलाय, सोच समझ कर ही चुनना। हाँ नहीं कॉर्ड, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। तो तुम तीनों में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? मैं शेन के परिवार से हूँ। जैसे ये कंपटीशन खत्म होगा, हम एक हसीन सफर पर निकल पड़ेंगे। क्या जी, तुम सलाह से पूछ रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। टीम में स्वागत है छोटे मियाँ। क्या हम तुम्हारा नाम जूल्स रखें? ये बोपी है। तुम बहुत अच्छे हो, अब पर ये मत भूलो कि तुम्हें कंपटीशन में हो। और इसे कोई एहसान मत समझना, हम सब यहाँ जीतने आए हैं। तो फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि पहला राउंड आज रात स्कॉच स्पार्क्स केबिन में शुरू होगा और तुम्हारा मुकाबला है इनसे। डॉक्टर ब्लैक, आपको ये देखना चाहिए, इसमें हेरिंग बोन केविन में हुई एक स्लग स्लिंगिंग मैच की फुटेज है। मैं भला ये फुटेज क्यों देखूं? ये मेरे किस काम की? क्योंकि इसमें एक लड़का कहता है कि वो शेन के परिवार से है। क्या ये सच होगा? और अगर है भी तो हमें विल शेन के परिवार वालों से निपटने के तरीके आते हैं।